हेलो मित्रों, चार्चर जी में एक और शेयर लेकर से नाम है टाल ब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड, जो एक कंपनी है। बेसिकली ये व्हीकल्स में काम करती है, ठीक है, जैसे टू व्हीलर्स हो गए, थ्री व्हीलर्स हो गए, इनके मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, ठीक है। तो आगे चार्ट देख लेते हैं। चार्ट जो है मैंने एक वन वीक का लगा है, एक वीक का चार्ट, ठीक है। ये जो है आज का जो है इसका 11% का आसपास अपूव था आज ही आज में इसमें, ठीक है। ये जो है इसने ब्रेकआउट किया है रिस्ट्रिक्शन अपना ये वाला, ठीक है। आपको दिख रहा लिखा होगा सपोर्ट रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है। सपोर्ट रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है, आप लिखा हुआ है, ठीक है। सपोर्ट रेक्टेंगल पैटर्न है, प्रीवियसली ये अप ट्रेंड में आ ही रहा था, मतलब इसका यह है कि ये डाउन ट्रेंड नहीं दिया एक भी इसने, ये अप ट्रेंड में ही रहा, और ये यहाँ पे आप दिख रहे होगे एक रेक्टेंगल में रहा है, पूरा रेक्टेंगल में रहा है। ये सपोर्ट लिया है इसने, इसी का लिया है सपोर्ट, ठीक है। मतलब ये काफ़ी आप इसे कहते हो वाइड रेंज में रहा है, ठीक है। किस वाइड रेंज में रहा है? अच्छी खासी वाइड रेंज में रहा है ये, तीन मतलब एक तरीके से कहूँ तो 350 से लेकर 700 के बीच में, बिटवीन में रहा है ये, ठीक है। इन बिटवीन रहा ये, इन बिटवीन रहा, 350-700 के बीच में ही रहा ये, ठीक है। आज इसने ब्रेकआउट दे दिया इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। नियर फ्यूचर में आपको इसमें 800 प्लस के टारगेट दिख जाएंगे, ठीक है। और इसमें स्टॉप लॉस जो है आपको जो लेना है, ये स्टॉप लॉस होगा इसका, ठीक है। ये स्टॉप लॉस लेना है आपको तकरीबन 640 के आसपास का, ऐसा होगा इसमें, ठीक है। स्टॉप लॉस होगा ये यहाँ पे, इस अगर यहाँ पे इस लेवल पर आता है, इस लेवल पर आता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, तो आपको एग्जिट लानी, ठीक है। इसमें वॉल्यूम भी अच्छी आ रही है, ठीक है। वॉल्यूम भी अच्छी आ रही है, इसने वॉल्यूम के साथ ही, अच्छी वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ये जो है रिस्ट्रिक्शन था जो उसने ब्रेक ब्रेक कर दिया है अभी, और अभी उतनी कंसोलिडेट भी होगा, उसके बाद ये फिर आपको ऊपर की चाल दिखा देगा, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में आपको